कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा था एक विषय के बारे में जो कि आज मेरे सामने आया। हमारे कोई ख़ास जानकार थे, वो बात करने लगे कि हमारी गली में डॉग हैं, डॉग्स हैं जो कि गली में पॉटी कर देते हैं, गली में लोगों के पीछे भाग जाते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनको MCD के द्वारा रिलोकेट करवा दें। अब देखिए, मैं किसी पर्सन का नाम नहीं लूँगा क्योंकि देखिए हो सकता है वो भी ये वीडियो देखें और इस वीडियो के माध्यम से उनको भी ये संदेश मेरा जाए जो मैं उनको देना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि देखो, डॉग्स को वो क्या क्या समझते हैं, मतलब ये जो बेचारे पीछे बेजुबान जानवर खाना खा रहे हैं, ये रोड पे रहता है, इसके पास ना घर है, ना बार है, ना फ्रिज है, ना TV है, ना कूलर है, कोई सुविधा नहीं है। ये देखो आपके सामने हुआ है, वो देखो ये बेचारा रोड पे से खाना खाता है, रोड पे जो गिरा हो वो खाना खाता है, कोई चोट लग जाए तो तड़पता है अपना। इसके पास जो कुछ है बस इसका परिवार है, देख रहे हो आप, जो कुछ है इसका परिवार है और इसका शरीर है। हम जैसे कुछ इंसान ये सोचते हैं कि हम इनका परिवार भी वो अलग कर दें। आप माँ को बच्चों से अलग कर दोगे, बच्चों को माँ से अलग कर दोगे, उसका क्या बचा, उसका तो पूरी ज़िंदगी आपने उजाड़ दी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात एक ये है कि आप में से कुछ लोग बहुत भगवान की भक्ति करते हो, बहुत भगवान को मानते हो, बहुत भगवान की सेवा करते हो, भजन सुनते रहते हो हर टाइम, मगर ये काम जो आप सोच रहे हो करने के बारे में कि हम अपने इन बेजुबानों को जो है गली के उठा के फेंक दें कहीं पे, या फिर कहीं से इनको मतलब इधर उधर कर दें, आपको पता है इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये होंगे, जहाँ पे भी आप फेंकोगे वहाँ के कुत्ते इनको उधेड़ डालेंगे, इनको मार डालेंगे। ये जो पीछे घूम रहे हैं ना, वो दूसरे एरिया के कुत्ते इनको मार डालेंगे। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप कहीं इनको बहुत अच्छा इनके लिए कर रहे हो, इनके लिए आप बुरा ही करोगे, क्योंकि ये बेचारे रोड पे घूमने वाले आपके घर में नहीं आते, रोड पे अगर बेचारे बैठे हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने लैटरिन की सुविधा नहीं कर रखी और भगवान ने इनको इतना दिमाग नहीं दिया हुआ कि ये लैटरिन में जाके पोटी करेंगे। अगर आप ये मानो कि आप मंदिर में भी करते हो, मंदिर में धूप गिरती है तो धूप को भी तो रोज़ साफ़ करते हो, अगर पानी आप रोड पर डाल दोगे तो आपको क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात, जब आपने इनको जन्म नहीं दिया, आप इनको उठा के इधर उधर फेंकने वाले कौन होते हो? ये बातें मेरी हो सकता है आपको दोस्तों बुरी लगें, और देखिए मगर मैं स्पष्ट कहूँगा, जो भी कहूँगा इस बारे में मन में जो बात आ रही है मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ कि जब आप इनको मान लो खिला नहीं सकते तो आप फेंकने के हकदार कहाँ से हो? और सबसे बड़ी बात है कि आपने जो ये रोड है, ये बेचारे जहाँ पे रोड पे रहते हैं, ज़मीन पे मरते हैं, ये ज़मीन भी सारी खरीद ली अपने घरों के साथ साथ, आप भगवान अपने आप को मानने लग गए हो। आजकल इंसान का एक मिनट का नहीं पता कि उसको दिल का दौरा पड़ जाए या क्या हो जाए, उसको एक मिनट में उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन आप ये सोचते हो कि आप अमर हो, आप ये सोचते हो कि आप मतलब इस दुनिया में हर मतलब सब कुछ जीत सकते हो। किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, उसमें हमेशा ये कहा गया है कि किसी भी निर्बल पे, वो देखो सामने भी एक बेचारा निर्बल बैठा हुआ है, किसी भी निर्बल पे हाथ उठाना या उस पे उसको मारना पीटना जुल्म है, उसके साथ क्रूरता करना जुल्म है, लेकिन आप ये काम कर रहे हो, उसके साथ क्रूरता कर रहे हो क्योंकि वो निर्बल है, वो अपनी किसी कोर्ट में जाके आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, किसी जगह पे उसकी पुलिस में सुनवाई नहीं होगी, इसलिए आप ये काम कर रहे हो। दोस्तों ध्यान रखना, आज आप शायद ये काम कर रहे हो लेकिन कल को जब भी वो भगवान की अदालत लगेगी, ऊपर वाले की अदालत लगेगी, समझ रहे हो, जब हर एक का टाइम आता है, तो इंसान फिर ये कहता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब मेरे साथ ऐसा भगवान ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो भगवान ने इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि आपने कभी ना कभी उसके द्वारा बनाए गए जीवों के साथ ये सब कुछ करा था। वो देखो, वो सड़क पर भटकता हुआ एक बेजुबान ये जा रहा है, इसके लिए कोई बेड नहीं है, इसके लिए कोई फ्रिज, कोई AC, कोई TV नहीं है, और आप इनको भी अगर उठा के बाहर फेंक दोगे तो मेरे हिसाब से तो निर्दयतापूर्ण कारण हो जाएगा, मतलब आप ये मान के चलिए। दोस्तों आपसे कहने का मतलब बस यही है कि जब आप सक्षम हो, आप किसी के लिए अगर कुछ कर नहीं सकते तो उनका घर, उनका बाहर उजाड़ो भी मत, उनको अपने परिवार से अलग मत करो, क्योंकि आपका उठाया गया एक गलत कदम उनकी पूरी ज़िंदगी ले लेगा। ये जून जो है ना, ये भगवान ने भेजी है, इस पे दया दिखाने वाली जून है ये, मतलब इन पे हमें दया दिखानी चाहिए, इनको मारना पीटना या कुछ मतलब ये इनको सताना नहीं चाहिए, कानों को हाथ लगाओ कि भगवान जो है मतलब आपको अच्छी सक्षम बनाया है कि आप किसी के लिए कुछ कर सको। बस ये है कि किसी के साथ निर्दयतापूर्ण कार्य ना करो, किसी को तंग मत करो, बेजुबान को उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। और ये छोटा छोटा आप काम कहते हो कि भाई हमारे बच्चों को काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसकी गोली है दोस्तों, गोली देखिए वीडियो पे बताना बिल्कुल ठीक नहीं रहता है क्योंकि हर एक का सिम्टम्स अलग अलग होते हैं कि डॉग क्या बाइट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो अगर आप गोली के विषय में पूछना चाहते हैं तो मैं आपको आयुर्वेदिक गोली का नाम बता देता हूँ, एंग्जो केयर के नाम से गोली आती है हिमालय की, अगर ये इफेक्ट काम नहीं करती तो फिर दूसरी गोली आपकी आएगी,
वो एलोपैथी की गोली है, मगर वो डॉक्टर से पूछ के देनी चाहिए। उसका नाम है गार्डिनल, गार्डिनल 30 mg, गार्डिनल 60 mg, लेकिन डॉक्टर से पूछ के आप ये दवाई दीजिए। क्योंकि देखो, जब रोड पे डॉग रह रहा है, अगर कोई कोई काट रहा है, कोई पीट रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार करने, उसको मारने पीटने से बेटर है कि आप उसको दवाई से शांत करें। तो दोस्तों, इसी भावना के साथ आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप दया दिखाइए और बेजुबानों को तंग मत कीजिए, रिलोकेट करने की कोशिश मत कीजिए। इसी भावना के साथ दोस्तों, जय श्री राम।